नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीएम जनमन कार्यक्रम का आयोजन शासकीय आदर्श एकलव्य विद्यालय बहर में आयोजित किया गया, जिसमें बहर विरसा परसवाड़ा ब्लॉक के अति पिछड़ा जनजाति बैगा एवं आम जनमानस उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय लोक नृत्य के साथ किया गया। तत्पश्चात पीएम मोदी का वर्चुअल भाषण के पश्चात उपस्थित प्रतिनिधियों का मंच पर स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक भरत सिंह नेताम, अनुपमा नेताम, जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष अग्रवाल भाजपा, मनसाराम मरावी जिला पंचायत सदस्य, जिला महापंचायत सीईओ एवं रणदा कलेक्टर गिरीश मिश्रा, एसडीएम बहर एवं जनजाति कार्य विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के वर्चुअल भाषण में पीपीटीजी के जीवन में सुधार के लिए 11 महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित मिशन अंतर्गत 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 24,000 करोड़ रुपए का प्रधान एवं प्रावधान किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में हितग्राही मूलक योजनाओं के हित लाभ प्राप्त हितग्राहियों को उपस्थित मंच के सदस्यों के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण किया गया और अंत में सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था के पश्चात कार्यक्रम को समापन किया गया। मैं आईडी बिसेन प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर जिला बालाघाट में पदस्थ हूँ। जनजाति अभियान जिस तरीके से आपके विद्यालय में सफल रूप से संपन्न हुआ, उसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्यास महाभियान, जिसे जनमन के नाम से शॉर्टकट में जाना जाता है, 1200 हितग्राही आए थे और लगभग पूरा अमला लेके 2000 आदमी, इनकी व्यवस्था करने में मैं आसान्वित था और पूर्णतः सफल प्रोग्राम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कार्यकाल का ये सबसे ज़्यादा सफल प्रोग्राम रहा है। को लेकर के जैसा कि दिखाई पड़ी रहा है कि कार्यक्रम काफ़ी सफल है, योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक के पायदान तक के पहुँचने भी लगा सर। दो शब्द बालाघाट जिले में बेगा जनजाति और कुछ परिवार हमारे भारिया जाति के भी यहाँ निवास करते हैं। लगभग 260 गांव हैं हमारे, 1131 गांव में से 260 गांव ऐसे जहाँ पे बेगा बस्तियाँ हमारी निवास करती है और इनका हमने सर्वे भी कराया। लगभग 7357 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं और लगभग इनकी जनसंख्या 31,000 के लगभग है। और इन जातियों के लिए पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने ये अभियान प्रारंभ किया है और उसके सार्थक परिणाम भी आज हमको देखने को मिले। 15 नवंबर को जैसे उनने लॉन्चिंग किया, चूँकि हमारे विधानसभा निर्वाचन होने से हमारे यहाँ लेट प्रारंभ हुआ है और अभी हम सभी योजनाओं में लगभग 80% सेचुरेशन के मोड में आ गए। चाहे वो आयुष्मान की बात ले लें, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात ले लें, चाहे आधार कार्ड ले लें, चाहे पक्के मकान भी हमने सर्वे कराया, जिसमें लगभग हमने 6,500 परिवार ऐसे हैं जिनको आवास देना था, उसमें 3,000 आवास हम पहले से दे चुके हैं। 3,500 जनजातियाँ अभी बाकी है, परिवार बचे हैं, उनको आज हमने 2,000 के लगभग सेंशन कर दिया। बाकी आगे भी उनको 100% सेंशन करेंगे और सेचुरेटेड करेंगे और 100% उनको पक्का मकान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अभियान ये प्रारंभ हुआ और हर घर में राशन मिले, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने आपने सुना ही होगा कि 5 साल के लिए जो निःशुल्क खाद्यान्न है वो वृद्धि कर दी उनने, तो निश्चित रूप से इन परिवारों को फ़ायदा मिलेगा। उनके 100% राशन कार्ड हमने बना चुके हैं और जो परिवार अलग होंगे उनकी सतत प्रक्रिया भी चलती रहेगी ताकि हम उनको सतत लाभ दें और इन पिछड़ी जातियों के लिए कैसे विकास हो, कैसा उनका सामाजिक स्तर बढ़े, आर्थिक स्तर बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी दिशा दशा बदलने में हम जिला प्रशासन पूरा समर्पित है। धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम DS रणदा, CEO जिला पंचायत बालाघाट। थैंक यू। बालाघाट से ब्रजेश भिवगड़ी की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीवी न्यूज के साथ।